हम में से अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि जो फिल्मों में दिखाया जाता है वही हकीकत है। प्यार ही पूजा है, प्यार ही जीवन है, प्यार के आगे पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अब यही दूसरी तरफ हीरोइनें क्या सोचती हैं इन प्यार, इश्क और मोहब्बत के बारे में। फिल्मों में तो ऐसा दिखाएंगे कि चाहे लड़का कुछ करता हो या ना करता हो, बहुत गरीब हो, तब भी हीरोइन उसी से शादी करेंगी क्योंकि हीरो उससे बहुत प्यार करता है। प्यार के आगे सारी दुख तकलीफ सब बेकार हो जाती है। आपको ऐसी फिल्में दिखा के आपके घर से चार जूते खिलवा के ही दम लेते हैं ये लोग। लेकिन इन हीरोइनों की हकीकत क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। आप ऐसी किसी हीरोइन का नाम बता दो जिसने किसी गरीब से शादी की हो। क्या गरीब प्यार नहीं करता? करता है, लेकिन ये हीरोइन बहुत चालाक होती हैं। फिल्मों में ऐसे बन जाएंगी कि इनको सिर्फ प्यार चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन असल ज़िंदगी में ये अमीरों को ढूंढती हैं, पैसे वालों को, अरबपति करोड़पति को, क्योंकि ये सब जानती हैं कि प्यार व्यार सब बकवास है, पैसा ही सब कुछ है। ऐसी बात है तो ये लोगों को क्यों पागल बनाते हैं? इसलिए अपनी अकल लगाओ और पैसा कमाओ। चलिए कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। ये है सेलिना जेटली। इनके पति का नाम पीटर हाग है। ये एक ऑस्ट्रियन है। इनका दुबई में होटल्स का बहुत बड़ा कारोबार है। आगे बढ़ते हैं। ये हैं शिल्पा शेट्टी। इनके पति का नाम राज कुंद्रा है। ये एक बिजनेसमैन है और आईपीएल टीम के ऑनर भी हैं। और आगे बढ़ते हैं। ये हैं रानी मुखर्जी। इनके पति का नाम आदित्य चोपड़ा है, जो इस समय यश राज फिल्म्स के कर्ता धरता हैं। इनकी नेटवर्थ 960 मिलियन डॉलर है। अब इनसे मिलिए। ये हैं आसिन रेड्डी वाली। इनके पति का नाम राहुल शर्मा है। ये माइक्रोमैक्स के को फाउंडर हैं। ये लगभग 100 मिलियन डॉलर के मालिक हैं। करीना कपूर खान, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, विद्या बालन, सोनम कपूर, किम शर्मा, गायत्री जोशी स्वदेश वाली फिल्में करती हैं, स्वदेश वाली, और रहती विदेश में हैं। ऐसी ही न जाने कितने नाम हैं। और इन सबके पतियों के पीछे एक ही खासियत है कि ये पैसे वाले हैं। दोस्तों, इनमें से किसी के भी पति को बता दो आपकी गरीब हो, सारे करोड़पति अरबपति हैं ये। अगर आपको ऐसी ही किसी हीरोइन का नाम पता हो जिसने किसी गरीब से शादी की हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।